आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति प्रिय विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम AHM डफरिन चिकित्सालय में किया गया, जिसमें चिकित्सालय में जन्मी नवजात कन्याओं को इस शीतकाल में स्वेटर तथा कंबल भेंट किए गए। डॉक्टर कमल धवन ने बेटी घर का श्रृंगार पर चर्चा की और वहां मौजूद सभी महिलाओं पुरुषों से महिला सशक्तिकरण के विषय पर परिचर्चा की। उन्होंने कहा कि सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए बेटों तथा बेटियों दोनों की आवश्यकता होती है। अगर बेटियों की संख्या कम हो गई तो संतुलन बिगड़ जाएगा और अपराध बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त अब बेटियां शिक्षित होकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और बेटों से अधिक अपना नाम कर रही हैं। वे लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा का स्वरूप हैं। डॉक्टर सविता रस्तोगी ने बताया कि बेटियां घर का आभूषण हैं और उन्हें शिक्षित किया तो बेटों से अधिक ऊंचे पदों वे कार्य कर अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। मायके तथा ससुराल दोनों ही परिवारों का नाम ऊंचा करती हैं। वे घर का पति का बच्चों का सभी का ख्याल रखती हैं, इसलिए उनके जन्म पर अधिक जश्न मनाना चाहिए। डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव प्रमुख अधीक्षिका ने भी बच्चियों के जन्म पर उत्सव दिवस बताया और महिला सशक्तिकरण के विषय पर समझाया। अलका जैन सचिव सबका आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कृष्णा अग्रवाल, उषा अग्रवाल, मीना, रीना, मीरा आदि उपस्थित रहीं। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। इसलिए महिलाओं को बच्चियों को भी उतना ही मौके मिलने चाहिए जितने पुरुषों को मिलते हैं। बराबर से समाज में हर स्थान पर मौका मिलना चाहिए। इसी प्रोग्राम का मोटिवेट करते हुए ये आज का कार्यक्रम रखा और उनको भी अपना सम्मान मिलेगा इस विषय में आज ये कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पे इनके द्वारा कुछ कन्याओं को वस्त्र भी दिए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर कमल धवन डफरिन हॉस्पिटल की प्रमुख अधीक्षिका होकर रिटायर हुई हूँ और इस अस्पताल से लगभग 24 साल जुड़ी रही हूँ। आज लेडीज लिनन एंड कंफर्ट्स लीग की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं इन बच्चों को प्रोत्साहित, इन महिलाओं को एक संदेश देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अत्यंत ही विषय महत्वपूर्ण विषय है और हम चाहते हैं कि जितनी भी बेटियां जन्म हो ले उसको उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि बेटियां जब घर में होती हैं तो बेटियां घर का आभूषण होती हैं। उनको यदि भरपूर पोषण दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी तो वो बड़ी होकर अत्यंत ही ऊंचे पदों पर दिखाई देती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं, अपने माँ बाप, अपने बच्चों सबके लिए वो करती हैं बहुत कुछ, प्यार करती हैं, उनको साथ में सपोर्ट करती हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये कार्यक्रम है उसके माध्यम से समाज के बहुत सारी हजारों महिलाओं को ये संदेश पहुंचे कि वे अपनी बेटियों के जन्म को बुरा ना समझें। लोग कहते हैं बेटियां नहीं चाहिए, परंतु बेटियां घर के लिए अत्यंत ही ज़रूरी होती हैं। अपना परिचय देते हो, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। हम लेडीज लेनिन एंड कंफर्ट लीग की सेक्रेटरी अलका जैन है। हमारे साथ डॉक्टर कमल धवन जी, डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर दक्षा जी उर्सला हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड से। हम लोगों ने आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत उर्सला हॉस्पिटल में, डफरिन हॉस्पिटल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे हमारे देश की लड़कियां आगे बढ़े और आगे चल के हमारे देश का भविष्य बने। SIC डफरिन हॉस्पिटल कानपुर क्लब के द्वारा इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कन्याओं के प्रोत्साहन के लिए और समाज में अवेयरनेस के लिए किया गया, जिससे कि कन्या के जन्म में लोग खुश हों और उनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और संस्कारित करें, जिससे समाज में एक अच्छे समाज का गठन हो।